आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, लोक कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति की कामना। जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार की शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार हुआ बंद। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, आदर्श आचार संहिता का करवाया जा रहा है कड़ाई से पालन, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एसएसपी ने कहा, सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की जाएगी तैनाती। हर विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट मोबाइल टीम के साथ भ्रमणशील रहकर बूथों की करेंगे निगरानी। छठवें चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान वाले जिलों के अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस प्रेक्षक व विशेष सामान्य प्रेक्षक ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। 3 मार्च को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मतदाताओं की सुविधा के लिए पानी, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की गई है व्यवस्था। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, अर्धसैनिक बल एवं पुलिस फोर्स व होमगार्ड के अधिकारियों को किया ब्रीफ। एसएसपी ने कहा, अधिकारियों से चुनाव को संपन्न कराने के लिए लिया गया है फीडबैक, स्वतंत्र व निष्पक्ष संपन्न करवाया जाएगा मतदान। साठ% बूथों पर वेबकास्टिंग के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को कैमरों का किया गया वितरण। डीपीआरओ ने कहा, 2513 बूथों पर की जाएगी वेबकास्टिंग। सभी कर्मचारी बुधवार को अपने निर्धारित बूथों पर पहुंचकर कैमरों को करेंगे इंस्टॉल। गुरुवार को मतदान का करेंगे लाइव टेलीकास्ट। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए विशेष पुलिस सामान्य प्रेक्षक और विशेष सामान्य प्रेक्षक ने 10 जिलों के प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। 3 मार्च को मतदान को संपन्न कराने के लिए सभी प्रेक्षकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के राजस्थान के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष खीमा राम चौधरी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 325 सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 260। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। दयानंद इंटर कॉलेज का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। पूर्व प्रधानाचार्य राधेश्याम श्रीवास्तव ने कॉलेज की पत्रिका किसलय का किया विमोचन। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री श्री सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर समिति द्वारा धूमधाम से निकाली गई भगवान शिव की बारात, कराया गया शिव विवाह संपन्न। और महाशिवरात्रि पर मुक्तेश्वर नाथ बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं ने किया बाबा दरबार में दर्शन व जल अभिषेक। कहा, बाबा भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की पूरी होती है मन्नत।